देव के बिना हम ये खा रहे यम यमी सा खाना। तो गाइस यहाँ पे मेरी प्लेट लग गई है, मैं इंडिया से पीछे ही चल रही हूँ बस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब, होप आप सब काफी अच्छे होंगे। तो अभी सुबह सुबह 7:30 हो रहे हैं, यहाँ पे रिधान स्कूल जाने के लिए ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। जल्दी कर बेटा एंड बस तो फिर अभी से स्कूल भेजती हूँ पहले, फटाफट से इसका लंच वगैरह पैक हो गया, बस अभी इसे रेडी करना है। ये जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर ले, फिर इसे रेडी करूँगी। एंड अभी सेकेंड वीक है, ये राजेश यहाँ पे हम लोग के साथ नहीं है। तो यू मिस योर डैड, हो गया, चलो ड्रेस कर लो, बाथरूम में चलो नहाने। तो आपसे मिलती हूँ इसे स्कूल भेजने के बाद। रिधान स्कूल चला गया है एंड मैं घर आ गई हूँ। एंड अभी काफ़ी देर हो गया था क्योंकि राजेश से भी बात करने लगी थी। घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो अभी पूरा घर ठीक कर लेती हूँ फटाफट से। एंड ठंड भी बहुत लग रही है, घर के अंदर भी ठंड लग रही है, तो जल्दी जल्दी से घर क्लीन कर लेते हैं पहले। लगती है जितनी भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सब आती है ना, सब पेपर में आती है, पेपरलेस अभी तक यहाँ पे नहीं हुआ है इंडिया में, जबकि हर चीज पेपरलेस हो गया, मेल में आती है, यहाँ मेल में नहीं आती। यहाँ पे सब कुछ इस तरह से एनवेलप में आती है, जैसे पहले आती थी चिट्ठियां वैसे आती है, फिर इनको बटोरो फेंको यही करने में चला जाता है टाइम। तो ये चीज बहुत खराब है, अभी तक यहाँ पे पेपरलेस सिस्टम नहीं हुआ है, तो इस चीज में इंडिया से पीछे ही चल रही है। क्लीनिंग तो हो गई है, बस थोड़ा अभी मैं लेमन टी पी रही हूँ एंड अब वैक्यूम करूँगी या नहाने जाऊँगी। तो पता नहीं, मुझे कुछ बोलने का भी मन नहीं कर रहा, अकेला अच्छा नहीं, अकेले अच्छा नहीं लग रहा है। आज राजेश मुझे बोल रहे थे कि तू मेरे से लड़ती रहती थी, मैं बोली अब मुझे किससे लड़ूँ, तुम्हें दीवार से लड़। पर पति से जो लड़ने में मज़ा आता वो तो सच में, मतलब कितना भी लड़ लो उसे गुस्सा आता पर बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत मज़ा आता है। अभी मैं किससे लड़ूं, फ़ोन में लड़ा नहीं जाता, फ़ोन में अच्छी अच्छी बातें होती है, सब लोग वहाँ रहते भी है तो लड़ नहीं सकती। और किस टॉपिक पे लड़ूं, यहाँ पे तो टावल इधर रख दिया, अभी ये टावल दिख रहा है, तो टावल इधर रख दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो उस चीज़ में लड़ाई होती है, छोटी मोटी नोक झोंक होती है, तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, मूड तो ख़राब होता ही है लेकिन अच्छा भी लगता है। पर अभी लड़ाई भी करने के लिए कोई नहीं है तो बहुत बोरिंग हो रहा है मुझे। सब लोग बोलेंगे कितनी लड़ाकी, मैं लड़ने के लिए बोरिंग फील कर रही है। सो गाइस मैं बस शार लेके आ गई हूँ, साफ सफाई करते करते घर से भी फोन आ जाता है तो साथ में बात भी करती रहती हूँ एंड साफ सफाई भी होती है। तो अब बना रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट, जो बहुत हेल्दी बहुत अमेजिंग एंड जो मेरे जैसा जैसे चटरपटर खाने वाले लोग हैं ना, तो उनके लिए, और अगर आपको हेल्दी भी चाहिए चटरपटर भी चाहिए तो सबसे अच्छा है ये ब्रेकफास्ट। आपको दिखाती हूँ। सो मैंने स्प्रॉट्स लिया, इसको स्प्रॉट्स बना लिया था एंड कुकर में एक सीटी बॉईल कर लिया था, क्योंकि बोलते कच्चे स्प्रॉट्स नहीं खाना चाहिए, बहुत लोगों को शूट करता है बहुत लोगों को नहीं करता है, तो मैंने यहाँ पे बॉईल कर लिया है। एंड यहाँ पे मैंने लिया है हाफ एवोकाडो जिसको पीसेज में कट कर लिया है, थोड़े से अनियन लिए हैं, थोड़े से टमाटर लिए हैं, हरी मिर्च भी ऐड करूँगी, लेमन ले लिया है। अब बताती हूँ कैसे बनाना। मैंने इसमें सब कुछ ऐड कर लिया, हरी मिर्च भी, अब सॉल्ट ऐड करूँगी, लेमन, अब इसमें चाट मसाला ऐड कर लीजिए और ज़ीरा पाउडर, अब इसे मिक्स कर लेना है। आप धनिया की पत्ती भी डाल सकते हो पर मैं नहीं डाल रही क्योंकि मुझे अभी मन नहीं है, वैसे मैं डालती हूँ। और ये रेडी हो गया फटाफट से यम्मीएस्ट ब्रेकफास्ट, जो हेल्दी भी है और चटरपटर वालों के लिए भी बहुत अच्छा है ये।
ब्रेकफास्ट करके मैं सीधे आ गई हूँ यहाँ पे लंच बनाने के लिए। तो आज लंच में मैं थोड़ा अपना फेवरेट एंड रधान का फेवरेट बना रही हूँ। तो राजेश के बिना हम बहुत अच्छा अच्छा खाना बना रहे हैं। तो यहाँ पे पहले मैं रधान का फेवरेट यानी सूजी का हलवा, रधान को काफ़ी पसंद है तो उसके लिए बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो सूजी के हलवे का तो रेसिपी आपके साथ नहीं शेयर करूँगी, और लंच में मैं बना रही हूँ सूजी के हलवे के साथ आलू चना का सब्ज़ी और लूची, जो एक बंगाली डिश है, जो मैदा की पूड़ियाँ होती हैं, कचौड़ी नहीं, वो खस्ते कचौड़ी नहीं, नॉर्मल सी कचौड़ी जो होती है वो वाली बना रही हूँ। तो लूची की रेसिपी मैं आपके साथ भी नहीं शेयर करूँगी, मैं आपके साथ बिल्कुल जो अपने साइड नॉर्थ में जो होटल्स में जो सब्ज़ी मिलती है लूची के साथ जो सब्ज़ी खाई जाती है आलू चना की, वो वाली सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूँगी जो अपने साइड स्ट्रिक्ट साइड में मिलते हैं, बिल्कुल देसी स्टाइल में, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना। तो पहले मैं हलवा बना के रिधान को लेने जाऊंगी, उसके बाद मैं सब्जी बनाऊंगी। सो गाइज, हलवा रेडी हो गया है एंड यहाँ पे चने वगैरह भी बॉयल हो गए, तो आज मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ। ये पहले रख देती हूँ एंड रिधान के आने का टाइम हो गया है क्योंकि आज उसकी जल्दी छुट्टी होगी, अर्ली डिसमिसल है, तो उसे पहले लेकर आती हूँ फिर मैं। सो गाइज, मेरे पहुँचने से पहले ही इस लड़के की बस आ चुकी थी, आज जल्दी आ गई थी, बस जो टाइम में यूजली आती है उस टाइम पे आज नहीं आई थी, आज जल्दी आ गई थी। वॉट आर यू डूइंग? हाँ, ये आते ही टीवी देखने लगा और जूस लेके बैठा, जल्दी पी रिधान। ओ बस इसका यही है अभी। तो अभी मैं फटाफट से बनाती हूँ लंच, एंड लंच में बनने वाला रिधान का फेवरेट, बिल्कुल इजी रेसिपी है। बस आपको सब्जी के लिए क्या करना है, एक कटोरे में आपको हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर ऐड करना है, और उसमें थोड़ा सा सरसों तेल ऐड करके, थोड़ा पानी ऐड करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। हम पहले के लोग जब मसाला सिलौट में पीसते थे या हाथ से पीसते थे तो वो सब्जी का टेस्ट अलग आता था, तो अभी तो मिक्सी का और पीसे हुए चीज़ें का इस्तेमाल करते हैं तो हमें वो टेस्ट नहीं मिलता। फिर मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची को भी कूट लिया है सिलबट्टे में, क्या बोलते हैं इसको, ओखली में, एंड बस ये सब्ज़ी जो बनेगी वो सरसों के तेल में ही बनेगी। तो सरसों के तेल को गरम करके उसमें ज़ीरा डाला है, एक लाल मिर्च खड़ा सूखी लाल मिर्च जो होती है वो ऐड करा है, एंड जो हरी मिर्च को कूट के डाला था, कट करके नहीं डालिएगा, कूट के डालिएगा तो टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आएगा। एंड जो पेस्ट रेडी किया था वो पेस्ट ऐड करना है, थोड़ी देर चलाना है, मसाले को ज़्यादा आपको जलाना नहीं है, ये थोड़ा देर चल जाए तो इसमें फिर हम तुरंत ऐड कर देंगे टमाटर, कटे हुए टमाटर। तो मैंने एक बड़ा साइज़ का टमाटर लिया है इसमें, एंड उसे अच्छे से, टमाटर जब तक थोड़ा गल ना जाए उसे अच्छे से भून लेना है। टमाटर थोड़े गलने लगे तो उसमें मैं आधा चम्मच आमचूर पाउडर ऐड कर लियो। अगर आपका टमाटर खट्टा है तो आप आमचूर पाउडर को स्किप कर सकते हो, अगर नॉर्मल टमाटर है तो थोड़ा सा उसमें आमचूर पाउडर डाल देना, एंड उसे जब तक वो ऑयल छोड़े नहीं तब तक उसे भूनते रहना। आप चाहो तो इस टाइम पर नमक भी ऐड कर सकते हो, अदरवाइज बाद में, पर इस टाइम पर करोगे तो क्या होगा, पूरा मसाले में अच्छे से नमक घुल जाएगा, और जब हम इसमें आलू और चना मिक्स करेंगे तो उसमें भी ऐड हो जाएगा। अब मैंने दो कटे हुए आलू ऐड कर लिया है, और हाफ आलू को मैंने बिल्कुल हाथ से मैश करके ग्रेवी के लिए उसमें ऐड करा है, एंड थोड़ी देर के बाद उसमें मैं बॉयल चना ऐड कर दूंगी, एंड उसे 2-3 मिनट आप अच्छे से भूनो ताकि पूरा मसाला सब्जी चना और आलू में लग जाए। फिर आप कसूरी मेथी को उसमें ऐड कर लेना, एंड पानी ऐड करना, एंड उसके ढक के छोड़ देना जब तक वो बॉयल ना हो अच्छे से, एंड लास्ट में ढकने से पहले आप इसमें ऐड करना गरम मसाला, ये लास्ट में ऐड करना, गरम मसाला ऐड करके गैस ऑफ करके बस इसे ढक देना और ये अपने धीरे धीरे होता रहेगा। तो सब्जी हो गई रेडी, अब मैं बनाऊंगी पूड़ी। तो ये पूड़ी की आटा मैं पहले ही लगा ली थी, अब बस इसकी गोल गोल पूड़ियाँ बनाऊंगी, एंड ये मेरा आज का यमी यमी सा लंच। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना आप, आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट साइड के सब्जी का टेस्ट पता चलेगा। तो गाइस, यहाँ पे मेरी प्लेट लग गई है पूड़ी, सब्जी, हलवा एंड आम का चार एज अ रिचुअल, एंड यहाँ पे बैठ गया रिधान खाने के लिए, एंड उसे तो टीवी देख के ही खाना है, तो अभी मैं खाती हूँ फटाफट से अपना यम्मी यम्मी सा खाना। गरम है अभी बहुत, हाँ बहुत अच्छी बनी है पूरी, सॉफ्ट सॉफ्ट। अरे रिधान, साउंड कम कर दो तो बेटा थोड़ा। मेरे मायके में मेरा एक फेवरेट स्ट्रिक्ट साइड होटल है, जो बचपन से, जहाँ का मैं समोसे एंड
ये वाली कचौड़ियाँ, वो स्टफ कचौड़ी देते थे इसी तरह की बिल्कुल रहती थी, इसके अंदर सत्तू स्टफ किया जाता था एंड सेम सब्जी होता था। मुझे बिल्कुल आज ना वो वाले टेस्ट लग रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है, मेरा बहुत मन था ये खाने का। राजेश वहाँ गए, ऑफ कोर्स वो एक दिन ज़रूर खाएंगे वहाँ यहाँ का खाना, तो मुझे मैं उसे पहले ही खा ली, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। और सब्जी भी ना बिल्कुल वही टेस्ट की बनी है, बिल्कुल तो नहीं मतलब नॉट 100%, बट हाँ 70% वही टेस्ट की है। कचौड़ी भी है, बस ये स्टफ नहीं है, वो स्टफ रहता है। पूड़ियाँ, ये पूड़ियाँ सेम ऐसी बनती है, बस उसके अंदर वो वाली खस्ता वाली नहीं बनती, ये वाली बनती है और बहुत ही यम लगती है, बहुत अच्छे बने। सूजी के हलवा में चीनी थोड़ा कम है, बट ठीक है हम चीनी थोड़ा कम ही खाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ आज का खाना खाकर। सो गाइज, मेरी फ्रेंड आई थी एंड वो चली गई, दोनों बच्चे ने बहुत इंजॉय किया एंड हमारा भी थोड़ा एक घंटा का चिट चैट हो गया। तो अभी रिधान थक कर सो गया, उसे नींद आ रही थी तो उसे सुला दी हूँ। एंड उसे है ना अभी पता नहीं कि इतनी क्रेविंग हो रही है कुछ कुछ खाने की, तो उसे हमेशा कुछ चाहिए, मम्मा ये बनाओ, मम्मा वो बनाओ। अच्छा आप तुम बना नहीं सकते, ऑर्डर कर दो, ऑर्डर करो, डैडी रहते तो ऑर्डर करते। तो अभी डैडी है नहीं और बाहर का भी कितना खिलौना अनहेल्दी होता है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ कुछ ऐसे स्नैक्स जो हमेशा वो ढूंढता रहता है खाने के लिए वो बना के रख देती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ नमक पारे, जिसे हम नमकीन बोलते हैं, निमकी बोलते हैं, हमारे इधर तो निमकी बोलते हैं उसे, बहुत लोग मठरी बोलते हैं, बहुत लोग नमक पारे बोलते। तो मैंने आटा लगा लिया है, बस इसे शेप दे के कटिंग करके तलना है। तो पूरी रेसिपी तो नहीं शेयर कर रही हूँ आपसे, बस दिखा। तो मैंने ना ये थोड़े स्पाइसी और थोड़े मसालेदार बना रही हूँ, लाइट ऐसे क्यों आ रहा है। तो इसमें मैंने चिली फ्लेक्स, कसूरी मेथी, नमक के साथ मैदा को मैंने गून लिया है, आधा घंटा से ज़्यादा ही रख लिया है। अब इसे बस शेप दूंगी एंड फटाफट से इसे बनाती हूँ। पे बन रहे नमक पारे मेरे। सो गाइस, बस बन गए मेरे नमक पारे, थक गए आज बहुत ज़्यादा, हेडेक हो गया। यहाँ पे रिधान भी है। तो अब करती हूँ इस वीडियो का एंड, अगर वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड पूरा वीडियो देखना मेरा। तो पति देव के बिना हम ये खा रहे यमी यमी सा खाना। सो बाय, लव यू ऑल, बाय कर दो रिधान, अभी इसका मूड खराब है। तो बाय।